to when our castle was a shack. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forgive when we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did. This is a dog bag. This is a dog bag, yeah. Nice. This is for the first time I'm seeing something like this. I have a cafe. So if you come, I give you coffee. Oh. And in the end, you have to take the wife and... बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव है जो एक छोटे सिटी का चार्म होता है, यूरोपियन सिटी का वैसा टाइप का चार्म है। जो डायलॉग नहीं बोलते कि आज हम यहाँ पर हैं, ऐसे हैं, जब तक आप कंप्लीट होगा हम पहुंच जाएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। और हम लोग हैं अभी वेनिस में, तो नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी की राइड में। वेनिस थी हमारी थर्ड सिटी और आज एक्चुअली वेनिस में हम लोग थोड़ा सा सुबह उठने में लेट हो गए हैं, क्योंकि कल वेनिस जो हमने एक्सप्लोर किया है बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पैदल घुमा, बोट्स में घुमा और वेनिस मतलब दिल ले गया। वेनिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ यूरोप बोलते हैं और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो कल पर आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने व्लॉग देखा ही होगा पिछला वाला, कि हम लोगों को पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और जिस बस के बारे में मैं बता रहा था, मैंने बस में वो व्लॉग ख़त्म कर दिया था, पर वो बस ने जहां मैं ड्रॉप किया वहां से हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के अपने होटल पहुंचे थे। और आज सुबह पहली बार इस राइड में ऐसा हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है आज की। तो जिस डायरेक्शन में हम लोगों को आगे बढ़ना था, तो वो था कि हम लोग वेनिस से डोलोमाइट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और रास्ते में एक सिटी पड़ती है ब्रेशिया, जहाँ पर एक्चुअली जो हम लोग अपनी बाइक पर लगेज सेटअप यूज़ कर रहे हैं जीवी का, उनकी फैक्ट्री है। तो सोचा था कि वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम लोग डोलोमाइट्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, पर कुछ भी हम लोगों ने बुकिंग वगैरह नहीं करा रखी थी, क्योंकि पता नहीं था यार कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, पर इस पूरे प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। तो हुआ क्या है कि एक्चुअली अंकित का जो एक माइक है वो कुछ इशू कर रहा था, तो अंकित ने अपने किसी एक फ्रेंड से यहाँ पर माइक मंगवाया था। तो टोनी भाई जो अंकित के फ्रेंड हैं वो एक्चुअली यहाँ पर आए हुए हैं वो माइक देने के लिए। तो आज सुबह तक हम लोग का कुछ भी प्लान डिसाइडेड नहीं था कि आज हमारी रात की डेस्टिनेशन कहाँ होने वाली है, पर यहाँ पर कुमार भाई एक्चुअली अंकित का कुछ सामान था बहुत ही इंपॉर्टेंट जो देने के लिए काफ़ी दूर से आए हुए हैं। थैंक यू सो मच आपको। और यहाँ पर बातें होते होते हम लोग आधे घंटे से बैठे हुए थे, चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि कहाँ क्रेमोना में रहते हैं, वहाँ पर पूरी इंडियन कम्युनिटी है, बहुत ब्रेशिया बहुत है। अगर ब्रेशिया सेंटर में चले जाएंगे आपको सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यही मिलेंगे, और कोई मिलेगा नहीं। बांग्लादेशी कम्युनिटी हमें चाहिए, इंडियन कम्युनिटी हमने, इंडियन भी बहुत है वहाँ पर क्रेमोना में है बहुत है। ओके, तो फिर आज का जो हमारा प्लान डिसाइड हुआ है वो हुआ है क्रेमोना जाने का। तो यहाँ से हम लोग को ब्रेशिया से कितना पड़ेगा? क्रेमोना तकरीबन 40 मिनट का रोड है, 40-50 किलोमीटर होगा। तो एक चीज़ हमने इटली में नोटिस की है कि लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। जब हम लोग पहले दिन भी रुके हुए थे तो हमारे लगेज से लेके किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो कुमार भाई बहुत दूर से आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ अंकित का माइक देने के लिए। तो ये चीज़ ना अपने इंडियन कम्युनिटी में ही होती है, और जब आप अपने देश से बाहर निकलते हो उस टाइम पर इस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा समझ में आती है। तो ये कुमार भाई से अंकित एक्चुअली रोम से ही कोऑर्डिनेट कर रहा था, जब लोग फ्यूमिसिनो में बीच पर बैठे हुए थे उस टाइम पे अंकित का माइक थोड़ा सा पानी में चला गया था और वो माइक में कुछ खराब हो गया था, तो उसने नया माइक ऑर्डर किया। तो यहाँ पे ला के उन्होंने माइक हैंडओवर भी किया, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें इन्वाइट भी किया कि आप लोग ब्रेशिया जा रहे हो, तो ब्रेशिया से जो हमारा घर है वहाँ पर पूरी इंडियन कम्युनिटी है, और वहाँ पर चल के आप हमारे घर पर हमारे साथ में स्टे करो। तो आज हम लोग इसलिए पहले जाएंगे ब्रेशिया, और ब्रेशिया से फिर जाएंगे क्रेमोना। तो ब्रेशिया जो है, ब्रेशिया यहाँ से है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स। गूगल मैप्स अगेन दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स का रास्ता। तो अभी हम लोग वेनिस से ऑलमोस्ट हाईवे पर आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ देख रही है, अपन वेनिस में कल घूम रहे थे, वेनिस में कितनी सारी कैनाल्स दिख रही थी, सब कुछ दिख रही थी। अभी अपन वेनिस से 4-5 किलोमीटर बाहर निकले हैं, पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा। नॉर्मल अपना हाईवे आ गया, खेत आ गए, पर कनेक्ट तो यार वो कहीं से सी से ही कनेक्ट होता होगा ना। मेरे ख्याल से वो सी जो कोस्टल रूट था ना वो पूरा कोस्ट पर ही था। अभी यहाँ से हम लोग जब ब्रेशिया जाएंगे तो रास्ते में कहीं पर भी कोस्टल रूट नहीं पड़ेगा। अच्छा था वेनिस ना।
देखिए देखो हार्ले, वो देख रही ऊपर टनल के जस्ट ऊपर घर बना हुआ एक, इन्होंने ये देख यहीं पे पहाड़ खत्म हो रहा है ये वाला, पर इन्होंने रास्ता वहां से घुमा के नहीं बनाया, उतने से के लिए भी टनल निकाल दी, नहीं तो हाईवे वहीं से तुरंत घूम जाता। तो रेंज दिखा रहा है 44 किलोमीटर, और यहाँ पर हाईवेज पे पेट्रोल पंप वगैरह बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो एक फ्यूल पंप मिला, तो जहाँ पर भी फ्यूल पंप दिखे वहाँ से पेट्रोल टैंक फुल करके ही निकलो। ऑटो ग्रिल शिखा देखो, वॉशरूम वगैरह जाना हो तो यहीं पर चली जाना, क्योंकि इनका जो आगे रेस्ट स्टॉप होगा ना वहाँ फिर कुछ मिलना है नहीं। उस दिन जो हम लोग शाम को गए थे पेट्रोल पंप, वो ना शायद बंद हो गया था, सारे फ्यूल पंप 24/7 खुले रहते होंगे, 7 बजे के बाद शायद स्टार्ट हो जाता है, खुद फिल कर सकते हो, उसके बाद खुद फिल करना है। डीजल डीजल बेंजिन R195 लिखा तो हुआ है, फुल टैंक, फुल टैंक, फुल। और यही है यहाँ पर रेस्ट स्टॉप, वो जो हम जिन रेस्ट स्टॉप्स पर रुक रहे हैं ना वो एक्चुअली वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही नॉर्मली वो बने हुए हैं बस। यही है, तब पहले दिन हम लोग को लग रहा था ना कि रेस्ट स्टॉप पर कुछ है नहीं, पर पेट्रोल पंप भी तो कितनी कितनी दूर होते हैं, 10 लीटर कर दे रहे हैं। कार्ड कार्ड हर बार अराउंड 20 यूरो का ही पड़ रहा है, देखा कितने का, 20 यूरो का ना, हाँ जो इंडिया में अपना 1000 का पड़ जाता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1900 टाइप का पड़ रहा है हम लोग को। थैंक यू। हेलो मैम, वेयर यू फ्रॉम? इंडिया। इंडिया, या वेयर आर यू फ्रॉम? डेनमार्क। डेनमार्क, ओके। I only had my driver license for 2 years. I was also behind, but no more. If you go to Denmark, we live in a small island called Fanø. I have a cafe. So if you come, I give you coffee. Oh, when I saw you, I was just telling my wife that when we grow old, we have to ride 2 motorcycles like this. You too? It's allowed in India? Yeah, yeah. But great to see you guys. Yeah. And if you come to India, we'll show you around. That's nice. Think about it. Do come, do come. Do now? We are going to Brescia now. And from Brescia, we'll do Stelvio Pass and Dolomites. And all the way, we'll be covering 24 countries. You have a big package. Yeah, so that's the 3 months luggage. Yeah. In the end, you have to take the wife and... Nice meeting you, sir. Bye, thank you. Bye-bye. See you in Denmark. तो अभी फ्यूल पड़वा लिया है, 278 किलोमीटर चली है बाइक, और ऑलमोस्ट कितना फेंका, 10 लीटर आया था ना, 20 यूरो, लीटर्स देखा नहीं मैंने, 3 बार पड़वा चुके हम लोग, तीनों बार 20 यूरो का ही फ्यूल पड़ रहा है। तो ब्रेशिया कितना दिखा रहा है अभी यहाँ से, 112 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 10 मिनट, अभी बज रहा है 12:15, पहुंच जाएंगे आई थिंक, क्योंकि रोड तो बढ़िया है ही यार, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, पे खींचेंगे तो पहुंचेंगे। वैसे भी यहाँ पे दिख रही है हाईवे पे कुछ भी वो नहीं है, कब से अपन चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ से रोम से अपन वेनिस तक आ गए, अभी भी निकल लिए, पर कहीं पर भी सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है, देखो रोड साइड पे एक भी कहीं पर गाड़ी एक्सीडेंट कुछ भी नहीं दिखा है, जब इतनी तेज चल रहे लोग उसके बाद भी लेन डिसिप्लिन क्या खतरनाक है। तो यहाँ पर ये जो राइट मोस्ट लेन है ये स्लोएस्ट स्पीड वाली लेन है, जैसे अभी मैं अगर 70-80 पर चल रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट वाली लेन से लोग ओवरटेक करते हुए आराम से चले जा रहे हैं, अगर मुझे फास्ट जाना है तो मैं लेफ्ट मोस्ट लेन में जाता जाऊँगा, और कोई भी पूरे हाईवे पर ऐसा नहीं कि फालतू में राइट लेफ्ट कट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। आ तो गया ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है मेरे को, एंट्रेंस लंबा आगे ले ले। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जीवी की फैक्ट्री, और जो मैं आप लोगों को 3-4 दिन से राइड पे अपना रोज सुबह सेटअप दिखाता रहता हूं कि मैंने जीवी के पैनियर्स लगाए हुए हैं, जीवी के पैनियर टॉपर बैग्स लगाए हुए हैं, ये मैं एक्चुअली इसलिए बताता हूँ कि जब से मैंने राइडिंग स्टार्ट की तब से मेरा हमेशा फोकस होता था लगेज पे, तो अभी तक मैं जितनी भी राइड्स करता था इंडिया में मैं सैडल बैग्स यूज़ करता था, पर यहाँ पर यूरोप में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग हार्ड पैनियर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस सेटअप को मुझे रिमूव नहीं करना होता है बार बार, तो हार्ड लगेज केसेस में लॉक्स वगैरह लगे होते हैं, तो आपका लगेज जो होता है वो सेफ रहता है, और मैं इस पूरे सेटअप को एक्चुअली पैनियर्स को ये सारे बैग्स को यहीं पर अपनी बाइक पर छोड़ के अपने होटल जा सकता हूँ, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ इस लगेज सेटअप की जो एडवांटेज है कि अगर हमें कहीं पर अपने बैग्स लेके भी जाने हैं, कुछ सामान वगैरह शफल भी करना है, तो इसका जो माउंटिंग सिस्टम है
वो मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ही क्विक सेटअप है, 2 सेकंड सेटअप में इसको बोलता हूँ, तो मैं अपने पैनियर्स बस लेके आता हूँ और यहाँ पर जो 2 माउंट है उस पर रखता हूँ और ये तुरंत के तुरंत लॉक हो जाता है। तो अभी चलते हैं जीवी के हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पे सामने बोर्ड पे हमारे नाम लिखे हुए हैं, हमारी फोटो लगी हुई है, वेलकम मिस्टर प्रतीक चतुर्वेदी, मिस्टर अंकित लांबा। मी और आर लाइक द रूट दैट वी आर गोइंग टू कवर, या दिस इज अ वेरी लॉन्ग रूट, वेरी लॉन्ग, सो दिस इज लाइक आवर ड्रीम ट्रिप एंड वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर इयर्स नाउ। फाइनली इन 2024 दिस इज हैपनिंग। From here, we'll be heading to Austria, okay. And from Austria to Czech Republic, then Poland, then Lithuania, Latvia, Estonia, Sweden, Finland, Norway, and then coming back from Norway to Denmark, okay. And then from Denmark. No Spain? Spain is actually a very big country, and that's why we thought we'll do a dedicated ride to Spain. Okay. Okay. Very interesting. And then it is very difficult to take leaves. We both are corporate employees. This is the founder of GV, Mr. Vizenzi. The heart and passion of one man. Giuseppe Vizenzi is the founder of GV. He is still working in the company, still with us. And he used to ride in the MotoGP. Okay. So he had a big passion for motorcycles. And as you can see, this is his motorcycle, the one he was riding. And where he got the best results. Okay, and so the first product was not a case, it was an engine guard. Yeah, and the first case arrived in 83. From there, then there was a development of different designs, sizes, capacities, characteristics, and... I was just saying, as you said, he always used to ride with his wife. So that's why I think that luggage that he designed was so comfortable that today I am riding with my wife with the same setup. Yeah, probably. This is a dog bag. This is a dog bag, yeah. Nice. This is for the first time I'm seeing something like this. Yeah. So much of thought which is put into making the products, but something like this, a dog bag is... Yeah, a dog bag, because a lot of people like their motorcycle, they love their pets, they love their dog, and they want to have the dog with them. So yeah, this is an idea. As we say that boys have only 2 passions, riding and dogs. Exactly. MotoGP, and he was... this was for the this TT race. This is the Isle of Man TT race, right? Yeah, exactly. This is when so he used was to ride there? Si. Oh, 1964. Is that the picture? Yeah. Now, this is when he was very young. These are the pictures when he started to learn how to ride a motorcycle. Nice. Yeah. Long way. Very long way, yeah. So where is he actually, like, hearing so many things, we were like probably excited to meet him as well. Exactly. So much for coming. Yes. And it's a must. You are an inspiration. Yes, sir. This is like our lifetime opportunity for yes, us. Sir. Nothing specific to ask. It's just a big moment for us that we are standing over here at this beautiful place and how your story started and everything. And I heard that you ride with your wife. You used to ride with your wife, right? So just wanted to meet you, and it's an honor to have you here, sir. So you have to bless us. Yes, that's our culture. That's like blessing. That's our culture. Thank you, gracious, sir. Really honored, thank sir. Gracious. Okay. Thank you. हम लोगों सर से मिले और हमने बताया उन्होंने कितना अच्छा लगा है, और एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन्होंने बोला कि विचेवर हेलमेट यू वांट टू पिक यू कैन पिक फॉर योरसेल्फ। तो उन्होंने तीनों राइडर्स के लिए हम लोगों को हेलमेट्स प्रोवाइड किए। तो शिखा का हेलमेट एक्चुअली अपग्रेड हो गया यहीं पर। शिखा जो अपना हेलमेट पहन के आई हुई थी वो यहीं चढ़ा दिया, तो मेरे और लांबा के हेलमेट इंडिया डायरेक्टली पहुँचेंगे, और शिखा का हेलमेट पहुँचेगा यहाँ से नॉर्वे। ठीक है, चलो अभी निकलते हैं। थैंक यू। तो इटली में आज हमारा 5th डे है जो हम लोग राइड कर रहे हैं, और अभी तक जितनी भी जगह हम लोगों ने कवर की है, जितनी भी रोड, जितनी भी सिटीज कवर की है, वो सारी सिटीज में हमने मोस्टली हाईवे पर ही डिस्टेंस कवर किया था। तो अभी ब्रेशिया से निकल लिए हम लोग, और ब्रेशिया से क्रिमोना जाने के लिए हमने जो नॉर्मल हाईवे वाला रूट है, वो हाईवे वाला रूट हमने गूगल मैप्स पर एक्चुअली देखा भी नहीं। वहां से दिखा रहा था कि क्रिमोना 38 किलोमीटर 39 मिनट्स, और ये ना रास्ता देख के समझ में आ रहा था कि ये हाईवे का रूट नहीं है, अंदर अंदर का रास्ता है। तो हम लोगों ने ये कंट्री साइड वाला रास्ता लिया, क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी सिटीज इटली में एक्सप्लोर कर रहे थे,
वो सारी सिटीज में डिस्टेंस जो हम लोग कवर कर रहे थे वो हाईवे पर ही कवर कर रहे थे, और हाईवे पे डिस्टेंस तो कवर हो जाता है पर ना ये वाले व्यूज मिस हो जाते हैं। तो ये जो अभी लैंडस्केप्स दिख रहे हैं राइट लेफ्ट पर पूरे खेत दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, राइट हैंड साइड पर सनसेट होने वाला है बस थोड़ी ही देर में। तो यही रीजन था एक्चुअली ये रूट लेने का, और ये इतना प्यारा रास्ता लग रहा है ना। तो इतनी खुशी हो रही है ना इस टाइम पे कि ये जो रूट लिया है हम लोगों ने इतना सुंदर रूट है, और जहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं ये हम लोगों ने जो मेन रोड जा रही थी उस रोड से थोड़ी सी बाइक अंदर ली है, और मेरे सामने जो नज़ारा हो रहा है इस टाइम पे वो बेइंतहा खूबसूरत। तो यहाँ अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था, हम लोग को ये लोकेशन आइडेंटिफाई करते करते टाइम लग गया, पर इतनी प्यारी लोकेशन है, व्यू एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था दूर से कि पूरी मिस्ट है, पर एक्चुअली अगर देखो तो ये वायर्स जा रही हैं, इसमें फाउंटेन लगे हुए हैं, और ये जितने भी खेत हैं इनमें नेचुरली सारी जगह पे पानी जा रहा है। पर सबसे अच्छी चीज़ जो लग रही है वो पीछे जो ऑरेंज स्काई और ग्रीन ग्रास, बहुत ही सही, बहुत ही सही। तो अभी ट्राई करेंगे कल से कि थोड़ी सी कंट्री साइड रोड और लें और ऐसे अमेजिंग व्यूज़ आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो अभी यहाँ से एक्चुअली जाने का मन नहीं कर रहा है, पिछले 15-20 मिनट से हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, पर अब एक्चुअली हमें किसी के घर जाना है तो निकलते हैं यहाँ से अंधेरा होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। ये सनसेट देख के ना एक्चुअली मज़ा आ गया यार, और वैसे देखो तो सनसेट सेम है, दोनों तरफ खेत सेम है, लैंडस्केप सेम है, पर जो डिफरेंस एक छोटा सा दिखता है ना जब गांव वगैरह दिखते हैं और कोई चर्च पड़ जाती है ना उस टाइम पे लगता है कि हाँ अब आप इंडिया में नहीं हो, इटली की रोड्स पे ये प्यारा सा सनसेट देख रहे हो। तो अभी यहाँ से क्रिमोना आई थिंक सिर्फ 15 मिनट का ही रास्ता है, और जिन कुमार भाई के हम लोग जा रहे हैं उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हम लोग का प्लान जो था वो प्लान था कि हम लोग ब्रेशिया जा रहे हैं जीवी की फैक्ट्री में, और वहीं पे जीवी की फैक्ट्री के पास में ही हम लोग कहीं पर होटल अकोमोडेशन लेके वहीं पर ही रुक जाएंगे आज। ये एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वहाँ पर आके आपको रियलाइज़ होता है कि जो इंडिया की चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हो उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो और ये जो रास्ता है ये रास्ता किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए नहीं जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है कुमार भाई के घर के लिए। तो वो फील एकदम ना मस्त आ रही है आज। तो अभी यहाँ से 10 मिनट का ही शायद रास्ता बचा है, पहुँचते हैं कुमार भाई के यहाँ और फिर वहाँ पे देखते हैं कि आसपास इंडियन कम्युनिटी है क्या है। उन्होंने कुछ तो बताया कि वहाँ पे पास में कोई मंदिर भी है, कोई अगर जगह भी हो घूमने के लिए तो वो एक्सप्लोर करते हैं। बस सही लग रहा है, छोटी सा गाँव टाइप ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ। क्या हाल चाल कुमार भाई? हमने बहुत लेट कर दिया, सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपका क्रिमोना इतना सुंदर दिख रहा था हमें, बस ये जो एंटर करते टाइम हमें सनसेट मिल गया ना बहुत ही प्यारा। तो पहुंच गए हम लोग क्रिमोना, अभी टोनी भाई के यहाँ पर सारा सामान वगैरह रख दिया है, बाइक हमारी उनके घर के बाहर पार्क्ड है जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन होती है पूरी राइड पे। तो अभी बस फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा सा बाहर निकला थोड़ा देखने के लिए यार क्रिमोना की गलियाँ, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गाँव है ये। तो जो छोटी जगहों का जो चार्म होता है ना वो एक्चुअली वैसा टाइप का चार्म है, पतली पतली सी गलियां दिख रही हैं, थोड़ा शांत सा एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी तक हम लोग जितनी भी सिटीज़ वगैरह घूम रहे थे, रोम गए हम लोग, पीसा गए हम लोग, वेनिस गए, तो वो सारी ना मेजर सिटीज़ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, पर अब आज यहाँ पर आके ना थोड़ा सा हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्लो हो गई है, हर चीज़ थोड़ी सी शांत हो गई है। तो एक तो घर पहुँच गए, घर पहुँच के चाय वगैरह पी ली, सामान वगैरह सब कुछ रख दिया, तो उसकी वजह से फीलिंग अलग ही आ गई। पास में शायद कोई चर्च है, वहाँ से आवाज़ आ रही है कुछ, और टोनी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे यार एक्चुअली पास में एक मंदिर भी है जो पूरा इंडियन कम्युनिटी ने मेंटेन करके रखा हुआ है, और आज वहाँ पर कोई फंक्शन टाइप भी है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा क्रिमोना देखते हैं, थोड़ा उस मंदिर तक चलते हैं। और कितना दूर है मंदिर? मंदिर बस जब तक आप स्टार्टिंग करें हम पहुँच जाएंगे व्लॉगिंग की। व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका, अब तो बस वो जो डायलॉग नहीं बोलते कि आज हम यहाँ पर हैं ऐसे हैं, जब तक आप कंप्लीट होगा हम पहुँच जाएंगे। तो बहुत भीड़ दिख रही है, बहुत भीड़ है। तो गाड़ी देख रहे हैं उधर तक, सारा एरिया जो भरा हुआ है गाड़ियों से। हाँ, सारे इंडियंस ही है। हाँ, इंडियंस है, हमारी कम्युनिटी है सारी है। वाह, ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये कमेटी मेंबर है, ये अंकित है। नमस्ते।
इतनी ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी होगी यहाँ पे, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शायद 200-300 लोग हैं, तो इतने सारे इंडियंस यहाँ पे देख रहे हैं ना, चारों तरफ पूरी भीड़ी भीड़ लगी हुई है। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं मिनी इंडिया में आ गया हूँ। मंदिर है, लोग हैं, यहाँ पर लंगर चल रहा है। वाह, ये तो आप बहुत सही जगह ले आए। यही तो मैं बोल रहा था कि जो हमारे इंडियन की जो फीलिंग है, इंडिया की जो इधर मिलेगी शायद ही यूरोप में और कोई कहीं मिलेगी। जलेबी अच्छी लग रही है, वही देख रहे हो। मैंने अभी किसी की प्लेट देखी है ना, उसके अंदर पास्ता था। मैंने भी देखी है। सही है। नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। मैं पंडित जी श्री दुर्गियाना मंदिर का स्थायी निर्देश, मुझे आप सभी को बताने में बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए इंडिया से दो संगत श्री दुर्गियाना मंदिर में विजिट करने के लिए आए हुए हैं। 14 साल से ये मंदिर यहाँ पे चल रहा है। 12 साल हमने ये मंदिर किराए पे लेकर मंदिर को खड़ा किया है। आज महामाई की इतनी बड़ी बहुत कृपा है, आज 2 साल से ये खुद का भवन निर्माण कर लिया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे भारत देश में बहुत सारी धार्मिक पूजाएं हवन होती है, लेकिन जो इंडिया छोड़कर फॉरेन में निवास करते हैं उनके लिए हमारे सनातन धर्म के आधार के ऊपर यहाँ पे इटली में भारतीय लोग जो यहाँ निवास करते हैं, सनातनी पूरे हिंदू हमारे मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं और महामाई के आशीर्वाद लेते हैं। तो आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं इटली में पिछले 1 साल से सनातन धर्म में सेवा कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय संस्कृति आगे भी टिके और हमारे जो नए कल्चर में आके यहाँ पे जो संगत ने निवास किया है उनको अच्छे से संस्कार, ज्ञान, प्रवचन, जो शास्त्र की परिभाषा होती है वो सिखाने का प्रयास हमारा यहाँ पे रहता है। सत्य धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। तो अभी हम लोग मंदिर से वापस आ रहे हैं अंकल, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं बता नहीं सकता होगा। और इतने छोटे से उसमें आपने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, इतना अच्छा सरप्राइज था हम लोगों के लिए, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभी वापस आओ दोबारा, फिर एकदम स्पेशल होगा, जो जिंदगी में याद रखेंगे आप। ये भी जिंदगी में याद रखेंगे, ये भी रखेंगे, जो अगर नेक्स्ट होएगा ना इससे भी बहुत इतना बेहतरीन होगा, दुनिया में जो भी इंडिया में देखेगा आपको कहेंगे कहीं से आए हैं। अच्छा, जो आप दूसरा वाला मंदिर बता रहे थे, पर लेकिन आज तो बहुत ही जबरदस्त था। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं। हाँ, तो ये अच्छा है, आप लोग के लिए भी बढ़िया रहता होगा ना कि अपना थोड़े थोड़े टाइम में। हम तो हमेशा जानते हैं, हमारा तो सब कुछ उधर ही है। हर संडे संडे टाइप्स रहता है, हर प्रोग्राम है, कुछ भी है। कल मैं गया गल्ला गिरने गए, सुबह जनरेटर ठीक करने गए, कोई भी काम जो बुलावा आएगा तैयार रहते हैं। हाँ, बुलावा तो आनी चाहिए, शायद बुलावा ही था जो हम लोग यहाँ आ गए। बहुत अच्छा, हमको बहुत खुशी हुई आप आए, हमारी कमेटी से मिले, मंदिर आए, बहुत अच्छा लगा। पर आप लोगों ने जो सम्मान किया वो बहुत बड़ी बात है, तो आप सम्मान तो इससे भी बड़ा होना था। चलो खैर, माता रानी जितना हुआ वो बहुत है। थैंक यू जी। तो जो सोच के नहीं आए थे उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्रिमोना में, एंड होपफुली आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा। और कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे इटालियन एल्प्स घूमने के लिए। तो अगर यहाँ पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेरी बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।